शिमला की सर्द भरी रातों के बावजूद वोकेशनल शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं। निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने और नीति निर्माण की मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षक सातवें दिन भी धरने पर डटे हुए हैं। महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। 11 वर्षों से सेवाएं दे रही इन महिला शिक्षिकाओं की धरने के दौरान अपनों की याद और परिवार की जिम्मेदारियों ने आंखें नम कर दी और आंखों में आंसू छलक पड़े। शिक्षकों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि उनका यह धरना उस समय तक जारी रहेगा। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें सरकार के साथ वार्ता का 12 नवंबर को न्योता मिला है, लेकिन वार्ता के लिए उन्हें अपना धरना समाप्त करना होगा। शिक्षकों को ये शर्त कतई मंजूर नहीं है। मैं धन्यवाद अपने परिवारों का भी करना चाहूंगी, हमारे ससुराल वालों का, जिन्होंने हमें यहाँ सड़कों पे भेजा है। हम कोई गरीब नहीं है, हम कोई भिखारी नहीं है जो पैसों के लिए सड़कों पे बैठे हैं। हमें सैलरी दो, नहीं, हमें सम्मान दो, ये हमारा राइट है। ना हम स्कूल के अधिकारी हैं, ना हम सरकार के अधिकारी हैं, ना हम आउटसोर्स हैं, हम क्या हैं? हम वोकेशनल ट्रेनर्स भी नहीं हैं। हम लोग सिर्फ एक काम, एक हथियार है जिसको कहीं भी चला दिया जाता है। आप ये भी कीजिए, वो भी कीजिए, वो भी कीजिए, और जब हमारी बारी आती है तो हम कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात सर, अश्विनी सर कहाँ है, जहाँ भी है सर, हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं। अपने नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है, मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन नालागढ़ से हूँ और हमें यहाँ पे और हम यहाँ पे किसी के फोर्स फुल से नहीं आए, हम अपनी मर्जी से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वही हम सरकार से अपना हक हक के लिए हम यहीं पे बैठे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि बस इन कंपनियों को बाहर करें और इससे हम इससे ज्यादा हम खुश नहीं मान रहे हैं। तो हो रही है क्योंकि हम भी अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, साथ में बच्चे भी आए हैं। इनको रात को मतलब सही से सुलाना खिलाने की बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और मतलब हम थैंकफुल करना चाहेंगे अपने परिवार का, अपने फैमिली का, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ भेजने के लिए। सर हम बार बार सरकार को यही बोल रहे हैं कि हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं है, सिर्फ हम ना अपने सैलरी के लिए हम बात कर रहे हैं, ना अपने एरियर के लिए बात कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी जो कंपनियां हैं इन्हीं को ही बाहर निकालने के लिए बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम और कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं सरकार से। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।